नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। यूपी के जिला रामपुर में प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी जान को पूर्व मंत्री आजम खान से खतरा बताते हुए पर्याप्त सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं पूर्व मंत्री ने इसे अपनी जान को खतरा बताते हुए कहा कि यह उनकी हत्या कराने के लिए पेशबंदी की जा रही है। राजनीतिक और प्रशासनिक इस जंग में कहीं ना कहीं जिला रामपुर में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए यह रिपोर्ट। आमजन की हिफाजत की जिम्मेदारी जिन प्रशासनिक कंधों पर है, वही जिम्मेदार कंधे कह रहे हैं कि हमें पूर्व मंत्री आजम खान से जान का खतरा है, लिहाजा हमारी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। दरअसल राजनीति और प्रशासन की जंग जिले में आचार संहिता लागू होने से शुरू हुई थी, जो अब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पर आकर टिक गई है। आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले जैसे ही जिला प्रशासन ने जिले में स्थित उर्दू गेट को ध्वस्त कराया और यूनानी अस्पताल को आजम खान द्वारा संचालित किए जा रहे RPS स्कूल से खाली कराया, वहीं से पूर्व मंत्री आजम खान ने जिला प्रशासन एवं पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आजम खान लगातार DM, SP व अन्य दो प्रशासनिक अधिकारियों को मतदान और मतगणना को प्रभावित करने के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मतदान तो सकुशल निपट गया, लेकिन अब जिले की राजनीतिक मतगणना को लेकर केंद्रित हैं। इसी बीच आरोपों के मद्देनजर जिले के अपर जिलाधिकारी प्रशासन जगदम्बा प्रसाद गुप्ता, नगर मजिस्ट्रेट सर्वेश कुमार गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक को एक पत्र देकर अपनी जान को आजम खान से खतरा बताया। कहा कि उनके द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, साथ ही उनके आवास के आसपास संदिग्ध लोग भी घूम रहे हैं। इनको प्रॉपर हम कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, ये हम सिर्फ इसी नजरिए से इसको देखते हैं और इसको किसी पॉलिटिकल एंगल से जोड़ने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती। डीएम सर, ये तीन बड़े अफसर हैं जिसमें आप भी हैं, आप पर भी, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, बस ये चाह रहा हूँ कि ये बड़े अफसर हैं और बड़े अफसर खुद व्यक्तिगत तौर पर पुलिस अधीक्षक के यहाँ शिकायत कर रहे हैं, तो आपने खुद कितनी गंभीरता से लिया है सर? देखिए, हर एक चीज़ को हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमारी टीम है, टीम के अगर टीम के किसी मेंबर को किसी तरीके की आशंका होती है, ये आप इसको खतरे के तौर पर गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहीं खतरे की बात कही, उन्होंने सिर्फ सतर्कता की बात कही है, और अगर कहीं कोई आशंका होती है तो सतर्कता तो हम हमेशा बरतने की कोशिश करेंगे ही, हम बरतेंगे ही, तो उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है, उन्होंने कुछ उनको चीज़ें ऑब्जर्व की, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने कोई मुद्दा रखा है, उसको हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उसको हमारी पुलिस की टीम जो है उसको उसका विश्लेषण करेगी, उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो चीज़ें हैं उनको दूर करने की कोशिश करेगी। अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। सर, कुछ सुरक्षा भी बढ़ाई गई है इन अफसरों की? देखिए, हम उसमें कहीं से भी इस तरीके की बात नहीं हुई है कि उनको बहुत भारी सुरक्षा की आवश्यकता। उन्होंने बस ये कहा है कि सुरक्षित रखने की, मतलब इन जो जिन बेसिस पर उन्होंने आशंकाएं व्यक्त की है उनकी जांच कर ली जाए और उसके लिए जो ज़रूरी कार्रवाई है वो की जाए, ताकि वो उनको घर पे या ऑफिस में वो इन तरीके के एलिमेंट से सुरक्षित रहें। उतना काम पुलिस, मतलब कहीं ना कहीं माना है उन्होंने कि खतरा है। देखिए, उनका आधार भी, जो भी उन्होंने दिया है उसका एक आधार भी दिया है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि उस आधार की हम जांच करें और जांच करने के बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे। हमारे अधिकारी कॉन्फिडेंट रहें, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। हमारी टीम कॉन्फिडेंट रहे, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। निश्चित रूप से उन्होंने इलेक्शन के दौरान काफ़ी बेहतर काम किया है, लगातार काम किया है, और अगर कहीं उस पर किसी तरीके की आशंका है उसको निर्मूल करना काम जिम्मेदारी मेरी है, पुलिस अधीक्षक की है, और हम दोनों इस पर निश्चित रूप से बेहतर काम। ठीक, थैंक यू। एक अधिकारी जो ADM रैंक के हैं, उन्होंने पुलिस अधीक्षक को, मेरी जानकारी लगभग सही है और सच्ची है, ये लिखकर दिया है कि उन्हें मुझसे जान का खतरा है और उनके आवास के बाहर संदिग्ध लोग देखे गए हैं। मैं चाहूँगा कि इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये पेशबंदी है अधिकारियों की मुझे मारने की। पहले यही होता था कि अमुक व्यक्ति से हमें खतरा है, दो चार बार थाने में दरखास्त दी जाती थी और पांचवी बार उसे मार दिया जाता था, लेकिन इस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आई और ऐसे लोगों को उम्र कैद और फांसियां हुई, तब से ये चलन बंद हुआ। लेकिन रामपुर के प्रशासन ने मुझे मारने और मेरी गिनती को प्रभावित करने, यानी गिनती के दिन कर्फ्यू जैसी चीज लगाने, अंदर लाठीचार्ज करने, गोली चलाने का माहौल बनाने के लिए ये भूमिका बनाना शुरू की है कि मुझसे अधिकारी को जान का खतरा है। मैं चाहूँगा कि सरकार ऐसे अधिकारियों को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दे, बख्तरबंद गाड़ियाँ इन्हें दे, इनके आगे पीछे एक एक बटालियन PAC चलाई जाए,
क्योंकि ये सब अधिकार तो उनके कलम में है। अपने लिए सुरक्षा और सुरक्षाकर्मी लेने का जिनको अधिकार है, जिन्होंने मेरे, मैं आपको बता दूं कि हमारे तीनों अधिकारियों ने आशंका जताई है कि किसी तरह की कोई अनहोनी हो सकती है, तो उसको लेके हमने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए। साथ ही साथ जितने भी तथ्य उन्होंने दिए हैं कि साहब ये या उस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, तो उन तथ्यों पर भी हम जांच कर रहे हैं, जो विधिक प्रक्रिया उसके तहत कार्रवाई हो रही है। उनकी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम पहले भी थे, फिर भी अगर कोई आशंका है तो उनसे मिल लिया गया है। इस तरह की कोई भी बात अभी पर्टिकुलर नहीं है। उन्होंने कहा था कि किसी स्थिति में हो सकता है कि कोई रेकी वगैरह कर रहा हो, तो वहाँ पे पिक। अच्छा, अभी तक आजम खान के ऊपर उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि आजम खान से जान का खतरा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आजम खान से जान का खतरा है। उन्होंने ये कहा है कि आशंका हो सकती है कि उनके कुछ लोग रेकी करें। इस चीज को आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने सीधा कोई आरोप लगाया है। जो तथ्य है उनको हम चाहते, मतलब कहीं ना कहीं उनसे खतरा बताया है। हाँ, निश्चित रूप से वो बता रहे हैं इस संदर्भ में कि हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी हो। कप्तान साहब को ये इन्होंने बताया कि उनके घर की रैकी हो सकती है, उनके ऑफिस की रैकी हो सकती है, तो हमने पिकेट वगैरह की व्यवस्था कर दी है। साथ ही साथ उनकी जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी पहले से ही लगे हुए हैं। बाकी भी जो तथ्य हैं उनको हम जांच। तो क्या हो सकती है या हो रही है? क्या हो रही है मतलब रैकी? नहीं, उन्होंने बताया कि रैकी हो सकती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि रैकी हो रही है। पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया है कि साहब ये आदमी रैकी कर रहा है, तो उस तथ्य को हम जांच। ठीक है, रामपुर से मुजासिम खान की खास रिपोर्ट।